बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं राजा शहजाद हमीद, आप देख रहे हैं TV 24 चकवाल। नाज़रीन, आज फास्ट मीडिया ग्रुप से रिलेटेड तीन अहम मेंबर यहां पे हम मौजूद हैं और बात करेंगे चकवाल के अहवाल की, जो हमने अपनी आंखों देखा, लोगों से सुना, ऑब्जर्व किया, आपके सामने रखेंगे। उसमें महकमो को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आवाम को जो है इंसाफ जिस हद तक मुमकिन हो वो मिले। नाज़रीन, मैं पहले तो मेरे साथ जो साथी मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे साथ चौधरी हारून सोहेल मौजूद हैं। चौधरी हारून सोहेल जो है वो मीडिया से रिलेटेड हैं, यहाँ चकवाल के एक नवाई गाँव से इनका तल्लक है और बहुत एक्टिव मेंबर हैं फास्ट मीडिया ग्रुप के। और मेरे जो राइट साइड पे हैं शायद मलक साहब, ये ओनर हैं, सीईओ हैं 24 TV चकवाल के और फास्ट मीडिया ग्रुप के एक एक्टिव मेंबर हैं। हर चीज़ पे बड़ी गहरी इनकी निगाह होती है, बहुत अच्छा एक तजिया भी करते हैं। तो आज चूंकि उनकी सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ, आज ये मेहमान की हैसियत से यहाँ पे हैं। शहजाद, कैसा लग रहा है आपको, आप एक मेहमान बन के आज बैठे हैं, कैसा फील कर रहे हैं सर? आपके साथ बैठ के वैसे भी फख्र महसूस होते हैं और आज एक मेजबान की हैसियत से बैठा हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन कर रहा था तो आज मुझे क्वेश्चन के जवाब देंगे। जी बिल्कुल, आप आज मेजबान नहीं है, आज मेहमान हैं आप। और मैं शुरू करूंगा, आज हमारी टीम ने जो एक विजिट किया, कल हमें एक कंप्लेन आई थी कि जो ब्रायलर गोश्त है वो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो कुछ और रेट है और जो बाजार में मिल रहा है वो, इसमें ये रोशनी डालेंगे शायद मलक साहब। शायद मलक साहब आप थोड़ा सा बताइएगा कि ब्रायलर का क्या रेट चल रहा था और ये हमारी जो मैडम डीसी मैडम कुरा तुलैन मलक हैं, उन्होंने जैसे स्टार्ट में रमजान के स्टार्ट में खुद जाके वहाँ पे छप्पड़ बाजार में दीगर जाके रेट चेक किए, कुछ लोगों को वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया और रेटों पे उसके बावजूद रेटों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और आप मुझे थोड़ा सा कल के वाकये के बारे में ब्रीफ कीजिएगा कि कल क्या वाकया रूनुमा हुआ है और ये रेट क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे। क्या आया कि एक डीसी साहब जब जाएंगे तभी रेट कंट्रोल होंगे, बाकी जो इदारे हैं काम कर रहे हैं उनकी कोई ड्यूटी नहीं है? सर कल ऐसे हुआ कि जब हम इकट्ठे बैठे थे, कुछ चंद दोस्त बैठे थे, अचानक मुझे कॉल आई कि डीसी साहब को कॉल करें कि रेट जो है वो 564 है इसका गवर्नमेंट का और 620 630 650 तक मार्केट रेट में बिक रहा है। और ये उस वक्त सिचुएशन थी जब जैसे मुझे ये खबर पता चली तो हमने और अरुण साहब ने भी उसके ऊपर कॉल वगैरह करने की, हम मार्केट में निकले और चंद दोस्तों से पूछा। जब वहाँ पे हम गए तो उन्होंने कहा कि जनाब रेट है 564 लेकिन कोटा कलेजी और गर्दन तो समेत। तो मैंने जब उससे सवाल किया कि कोटा कलेजी और गर्दन तो बाद में भी तुम बेच लेते हो, उसका तो तुम ये तो तुम्हें इजाफी मिल गया ना तुम्हें, तो एक तो तुमने कोटा कलेजी को निकाल के तुमने बेचा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो ब्रायलर है ये आपको इसका फर भी बिकता है, इसका खून भी बिकता है, इसकी जो चमड़ी होती है वो भी बिकती है, इसका फुजला जो होता है वो भी खाद के तौर पे भी बिकता है और जो खुराक के तौर पे बिकता है जो फार्म हाउस में फिश फार्म में डालते हैं। तो इसकी एक आपने कभी देखा होगा कि इसका एक कतरा भी आपने किसी ढेर पर ब्रायलर मुर्ग का नहीं देखा होगा, हत्ता कि अंडे का जो छिलका होता है वो भी बतौर कैल्शियम इस्तेमाल किया जाता है जो मैं सर हारून साहब आपसे ये बात करूंगा कि जब गोश्त, गोश्त का मतलब गोश्त होता है, उसका पोटा कलेजी और ये भी देखने में आया है कि वो एक दफा वो पूरा उसका गोश्त वो काट के उस पर डालते हैं, उसका वेट करके फिर उसका जो फुजला है या वो चीजें हैं वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि किसी आप सीनियर किसी बंदे से आपकी कोई डिस्कशन हुई, आप क्या इस बारे में कहते हैं कि वो जो फुजला है वो निकाल के उनको एक खालिस गोश्त है वो तोल के देना चाहिए था, क्योंकि दूसरे मुर्ग का रेट और होता है, गोश्त का रेट और होता है, वो इसी वजह से कि जो उसकी मेहनत और वो चीज होती है वो उसमें काट की गई होती है ऑलरेडी। जी बिल्कुल, ये है कि होना तो इस तरह चाहिए कि जैसे जब वो मुर्गी तोलते हैं, गाप बताता है तो मुर्गी वो तोलते हैं तो वो पहले ही वो इस फजले की कीमत वो गाप से भी वसूल कर रहे होते हैं,
वो पहले भी वसूल कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में उन्होंने ये हमारे दुकानदारों ने ये हमारे सिस्टम में एक चीज़ देखी है कि उसमें से फजला निकालते निकालते अलग कर देते हैं, बाद में वो फजला भी बिक जाता है। वो दोनों तरफ से वो पैसे वसूल कर रहे होते हैं, गाहक से भी वसूल कर रहे होते हैं और जिधर फजला बेचते हैं उनसे भी वसूल कर रहे होते हैं। जो हमारे प्राइस कंट्रोलर या जो महकमे के बंदे होते हैं ये सिर्फ खाना पूरी करके वापस आ जाते हैं, देखते हैं जी रेट लिस्ट लगी हुई है, आगे ये नहीं देख रहे होते कि रेट लिस्ट लगी हुई है ये गोश्त दे कैसे रहे हैं। जब उनसे बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, तो वो अपनी एक कहानी सुना देते हैं, वो आप चलान सामने रख देते हैं कि ये देखें जी हम अगर DC के रेट पर देते हैं तो ये देखें हमारा इतना चलान आ गया, हम 2000 रुपये चलान भर रहे हैं, 3000 रुपये चलान भर रहे हैं, DC का रेट हमें वारे नहीं करता, हमें गाड़ियों के किराए, पेट्रोल डीजल के खर्चे, मुर्गी जिधर तैयार हो रही है वहाँ पे दवाइयों के खर्चे, उसकी बिजली का खर्चा, वो सारे खादों का खर्चा वगैरह पर ये डाल के हमें तो कुछ चीज़ बचती नहीं है। जो DC इंतजामिया की तरफ से रेट लिस्ट आती है उस पर अगर हम बेचते हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। देखिए सुहेल हारून साहब, जो होता है मुर्गी पालने वाला वो तो एक लेमैन और होता है, ठीक है, वहां पे वो तैयार करता है, उसको कोई रेट बारे में होता है या वो तभी वो उसको सेल करता है, ठीक है, फिर वो मंडी में जाता है, मंडी से फिर सेल होता है, फिर वो शॉपकीपर के पास आ जाता है, जब शॉपकीपर के पास आ जाता है उसको जिस रेट पे गवर्नमेंट कमिट करती है कि इस रेट पे आप जो है वो आपने बेचना है, तो उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के उस पूरे प्रोसेस को देख के एक रेट बनाया हुआ होता है ना, वो एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं, उन्होंने एक रेट बनाया हुआ होता है और उस पर ये चीज करना, ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है। आवाम को भी चाहिए, आवाम की शोर के लिए भी हम ये एक प्रॉपर चलाएंगे और ये नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर चाह रहे हैं, किसी को अगर कोई कंप्लेन है तो हमसे शेयर कर सकता है, हम आपकी आवाज को जो मुतलका हुकाम है उन तक पहुंचाएंगे। और जो गोश्त होता है वो खालिस गोश्त होता है, ना कि उसको पहले तोल के फिर उसका जो फजला है और वो चीजें वो गाहक से डिमांड की जा सकती हैं, दुकानदार से डिमांड की जा सकती है उसकी, अगर दुकानदार वो नहीं देता तो वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग अगर इसको शाह साहब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा या आपसे आपको बताऊंगा कि जरा आप इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि हम अगर बोलना शुरू हो गए आला हुकाम तक ये बात उनके नोटिस में जाएगी तो क्या वो वाकई उस चीज की रोकथाम के लिए कुछ हो सकता है एकदम? सबसे पहले तो सर ये जो मैंने लिखा है चर्बी जो फजले की में आती है, चर्बी दो दफा बिकती है, एक दफा तो जब गोश्त तोला जाता है उसके बाद उसको साफ किया जाता है, फिर चर्बी उसको अलग की जाती है, वो दुकानदार अपने पास रख लेते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं होती, और दोबारा फिर चर्बी ये इकट्ठी करके और इसको इनको उन्होंने ठेका किया हुआ है आगे किसी कंपनी के साथ जो इसको ऑयल वगैरह में तब्दील करती है, ठीक हो गया। और दूसरा जो आपने कहा है कि हम जो बात करेंगे लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो लोगों को बताने में दुकानदार के साथ जब हम कल बात कर रहे थे जिन लोगों के साथ जुर्माना हुआ उनको 2000 रुपया जुर्माना हुआ, एक तो ये जुर्माना कम है, या अगर जुर्माना करना है 40-50 हज़ार इकट्ठा करो ना, या तो घर बैठे और या फिर जुर्माना दें और इस तरह का काम ना करें। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा जी 2000 जुर्माना देता है भी पूरा करना है, ठीक है, मैं क्या भी यार जुर्माना करा के भी आप इस अब ये तो बहुत गलत बात है। नाजरीन आप भी देख रहे हैं और जो जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है जो स्टेक होल्डर हैं वो भी सुन रहे हैं और जो एसियों के नीचे बैठ के डिपार्टमेंटल इस चीज को देख रहे हैं वो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि ये एक बहुत ज्यादती की बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा जाके किसी के ऊपर फाइन करता है तो वो फाइन भी आवाम पे डाल दिया जाता है। और मैं उन दुकानदारों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको फाइन हो रहा है तो आपकी गलती पे हो रहा है और आप उस गलती को दोहरा रहे हैं, उस गलती को दोहरा भी नहीं रहे, उस गलती को डबल कर रहे हैं और डेफिनेटली अगर वो दोबारा उसी एक चीज का वो मुर्तकिब होता है बंदा तो उसको फिर डबल फाइन या उसके जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चौधरी हारून साहब ये जो गोश्त सिर्फ गोश्त का नहीं है बाकी रेट्स के भी यही एक तो रेट लिस्ट अवेजा नहीं है और कल जो हमने वर्क किया उस पर हमने देखा कि पहले तो एक स्लेट और वो चीजें उस पर उन्होंने एक मेंशन रेट किया हुआ होता था गोश्त का ये रेट है, लेकिन वो ये इन दिनों में रमजान के दिनों में उन्होंने वो रेट
मिटा दिए होंगे, रेट लिस्टें भी अवेलेबल कोई नहीं है। तो बदतमीजी करते हैं ग्राहक से कि जहां से मिलता है वहां से ले लो, और डीसी साहबा हमें कहती हैं तो आप जाके डीसी साहबा से ले लो, बदतमीजी करते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाए? एक तो ये है कि डीसी साहबा से मिला जाए, उनको ये बताया जाए, लेकिन मिलने से पहले हम अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हमने ये अलार्म उठाया हुआ है और हम अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं, अपनी आवाम की बात आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं, उनको आप इस पे जो है वो फौरी एक्शन लेके काम करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कौन सा जो वे है, कौन सा जो रास्ता है वो ठीक है? राय साहब, रास्ता तो डीसी मैडम के इख्तियार में है, ये तो कोई डगी छुपी बात नहीं है। वो अगर इंतजामिया तमाम इदारों से, तमाम एहलकारों से ठीक काम करवाएं और चेक एंड बैलेंस रखें, खुद जाए के चेकिंग करें, प्रोटोकॉल के साथ जाना विजिट करना वो और मतलब है, अचानक जाके छापे मारना, प्रोटोकॉल के बगैर जाके मामलात देखना, हालात देखना वो और बात है। अगर प्रोटोकॉल के बगैर डीसी साहिबा या इंतजामिया या डीपीओ साहब अगले दिन छप्पड़ बाजार में गए, उन्होंने वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा कि वो एक दो घंटे पहले ही छप्पड़ की सफाई हो चुकी थी, लाइनें तरतीब लग चुकी थी और रेट लिस्टें लग चुकी थी, और तमाम जो दुकानदार हैं उनसे बता दिया गया था कि डीपीओ साहब का विजिट हो रहा है, किसी ने रेट ज़्यादा नहीं बताना या किसी ने ऐसी बात नहीं करनी। फिर उनके साथ ऐसे दो चार लोग लगाए हुए थे जो डीपीओ साहब को साथ साथ ब्रीफ करते जा रहे थे, डीपीओ साहब को बात करने का मौका ही नहीं देते थे। डीपीओ साहब एक सवाल किसी से करते थे तो आगे से वो जो साथ खड़े हुए बंदे थे वो डीपीओ साहब को क्लियर करा देते, सब अच्छा करवा देते थे। मसला ये है कि हमारी आवाम में भी शऊर नहीं है, हमारी आवाम भी डीसी साहब का विजिट हो या डीपीओ साहब का, एसी साहब का विजिट होता है तो पहले तो आवाम को स्कॉर्ट जो उनके साथ स्कॉर्ट होता है वो करीब जाने ही नहीं देते। अगर करीब को चले भी जाए तो हमारी आवाम हम में इतना शऊर ही नहीं है कि हम उनसे कुछ शिकायत कर सके। हम बस देखते हैं कि डीपीओ साहब आ गए, डीसी साहब आ गए, साइड पर खुद साइड पर हो जाते हैं। तो मसला ये है कि वो तमाम सर, यहाँ मैं आपकी बात को वो कर रहा हूँ, जहाँ डीपीओ साहब की डोमेन में तो ये चीज़ नहीं आती कि वो रेट जाके चेक करें या वो चीज़ कहीं पे वो कोई क्राइम हो रहा है जो रेट गलत दे रहे हैं उस पर जो कार्रवाई वो मुतलका महकमा उस कार्रवाई के बारे में वो करता है। तो जो मुतलका महकमा है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो क्या कर रही है? डीसी साहब ने बार बार ये विजिट करने, डीसी साहब वहां पे उनको मुतहरक करें बजाय खुद विजिट करने के, या उन लोगों की ड्यूटीज लगाएं इस चीज को करने के लिए, या रजाकराना तौर पे हम लोग हाजिर हैं, हम लोग इस चीज को सामने लेके आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो इसका कोई एक वे निकाला जाए, कोई इसका कि प्रॉपर आवाम को वो चीज रिलीफ मिल जाए। रमजान है, रमजान की वजह से हम परेशानियां पैदा कर रहे हैं, परेशानियों में लोगों की इजाफा हो रहा है, और यकीन करेंगे जब लोगों से डिस्कशन होती है तो वो किस किस तरह की और उनके जो हालात वो देखे नहीं जाते हमसे, क्योंकि हमसे तो एक आम बंदा हम उसकी अप्रोच में होते हैं और वो हमें डिस्कस कर पाता है हमसे वो चीज। तो डीपीओ साहब की तो चले वो डोमेन में, लेकिन अगर डीपीओ साहब चले गए हैं तो उनके सामने किसने जाना है? वो इतना अफरा तफरी, इतना एक उस पूरे बाजार को उन्होंने घेरे में किया हुआ होता है, तो वो बिल्कुल भी वो नहीं बता सकते। यहाँ बात ही ये है कि अगर डीसी साहब या एसी साहब है, वो इंतजामिया के जो मुलाजमीन है, जो बल्दिया के अहलकार है, उनसे अगर ठीक काम करवाएं, उनको चेक करें, वो जो ऊपर अफसरान बैठे हैं वो अपने अपने अहलकारों को चेक करें। मसले ये है कि पाकिस्तान में या देख लें जहाँ भी देख लें, मसले ये बना हुआ है कि कोई भी ठीक काम करके तो राजी है ही नहीं, वो उल्टा आवाम पे एहसान करते हैं। जो दो चार पाँच ये घंटे वो दफ्तर में आते हैं या कहीं जाते हैं तो वो आवाम पे एहसान करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते नहीं हैं। अभी आप बाजार का हिसाब देख रहे हैं, बल्दिए के मुलाजमीन सुबह आधा घंटा जाते हैं और शाम को आधा घंटा जाते हैं, सुबह आधा घंटा वो सिर्फ राउंड लगाते हैं, उसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं होती। शाम को वो अहलकार जो जाते हैं वो सिर्फ अपना सौदा राशन लेने जाते हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि रेट लिस्ट लगी हुई है नहीं लगी हुई है। हाँ, उस वक्त तमाम अहलकार, तमाम इंतजामिया, तमाम हर चीज़ मुतहरक हो जाती है जब डीसी साहब का जो विजिट होता है। उससे अलावा कोई काम भी नहीं कर रहा, कोई वहाँ पर चेक नहीं कर रहा कि रेट लिस्ट लगी हुई क्या है, आवाम को मिल रहा क्या है, किस रेट पर मिल रहा है, क्या रेट दिया गया, किस रेट पर मिल रहा है। अगर आम बंदा जाके दुकानदार से ही कोई बात कर देता है तो वो कहता है जी आप महकमे के बंदे हैं, जैसे आप कहते हैं आप उस रेट पे दे देते हैं।
अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर उसी को ही बात बनेगी। और इसको प्रॉपर जो महकमे हैं उनको एसी साहबा हैं नीचे, उनके आगे प्रेस कमेटी है, आगे जो है वो बल्दिया के अहलकार हैं, उनको डिटेल किया जाए, उनको प्रॉपर अगर रेटों पे और उन चीज़ों पे वो करना किया जाए तो हारून साहब की नज़र में उसको फौरन जो है वो एक उस पर काबू पाया जा सकता है और आम आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। शायद मलिक साहब की तरफ आता हूँ, शायद मलिक साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने डुडियाल और दूसरे इलाके को और फिर आप कस्बे ये जो डाब और इन एरियाज के भी आपने विजिट किए तो वहाँ के क्या मसाइल हैं जो हम आलोकाम की उसमें लेके आ सकते हैं। सर मैं सबसे पहले तो हारून साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो पाकिस्तान में ला कानूनियत हो चुकी है, हाल ही में इलेक्शन हुआ, फॉर्म 45 का रिजल्ट कुछ और था, 47 का कुछ और था, इन्होंने खुद ला कानूनियत इनको लोगों को सिखाई है। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने उनको ला कानूनियत सिखाई है, ऐसी की जाती। शायद मलिक साहब आपने गांव में क्या देखा, जो रमजान का हालात चल रहे हैं, जो रेट पे आज हमारा टॉपिक रेट पे है, इसी पे हम बात करेंगे, यहाँ ही हम रहेंगे कि रेट के बारे में कहाँ पे वायलेशन हो रही है और गांव के जो दुकानदार हैं उनका आवाम के साथ रवैया क्या है, उनके रेट कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो आला हुकाम सुन रहे हैं उनको बताइएगा। गाँव में मैं गया हूँ, उस गाँव का हालत ये है कि यहाँ पे अगर 650 है ना तो वहाँ 670 ले रहे हैं। उसकी वजह यह कि वो कहते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट पड़ रही है, ठीक है, फिर हम रख के बेच रहे हैं, हमारा सेल कम होती है, सेल कम होने की वजह से हमारा वो बचत जो हम खुराक डाल देते हैं तो उस खुराक के पैसे भी वो हमसे ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे 15 से 20 रुपए, 10 से 20 रुपए आप कह सकते हैं, 10 से 20 रुपए रेट ज़्यादा होता है किलो के साथ। देखिए ये कोई लॉजिक समझ आने वाली नहीं है, अगर वो वहां पे बर्ड्स को रख के खुराक दाना उसको खिला रहे हैं तो वो इतना वेट भी गेन कर रहा होता है वहां पे, वो एक्स्ट्रा वेट देता है ना उसको, अगर ज़िब्बा 2 दिन बाद करते हैं तो 2 दिन में उसे वेट गेन करना है, उसकी तो ग्रोथ हो रही होती है, ये कोई लाजिक कोई नहीं है। तो मजीद जो है वो अहवाल हम आपको बताते रहेंगे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे किसी और शोबे से रिलेटेड मसाइल को उजागर करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह मेहरबान, अल्लाह मेहरबान, बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you.